बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल लिस्ट यूज़ करते हुए स्लोप यानी ग्रेड की थ्री फंक्शन स्टडी करेंगे। इस लिस्ट के साथ हम परसेंटेज वैल्यू टाइप करते हुए लाइन ड्रा कर सकते हैं और उसके साथ साथ उस लाइन की परसेंटेज वैल्यू और स्लोप रेशो शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐप लोड कमांड लेते हुए अपने लिस्ट को लोड कर लेंगे। लिस्ट सक्सेसफुली लोड होने के बाद नेक्स्ट, अब हम सबसे पहला फंक्शन ड्रा लाइन विद परसेंटेज को यूज़ करते हुए उसकी शॉर्ट की DPG टाइप करेंगे। शॉर्ट की टाइप करने से हमारा लिस्ट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमें फर्स्ट मैसेज परसेंटेज वैल्यू टाइप करने का मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई ऐसे ही रैंडम वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। 5.3% वैल्यू टाइप करने के बाद हमें रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे कर्सर की पोजीशन हमारे परसेंटेज वैल्यू के मुताबिक चेंज हो जाती है। सेकंड मैसेज के मुताबिक मैं लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो मेरी लाइन परसेंटेज के मुताबिक ड्रा हो जाएगी। अब मैं इसी लाइन के ऊपर परसेंटेज वैल्यू शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं PCG शॉर्ट की टाइप करते हुए इस लाइन के स्टार्ट और एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो इस लाइन के ऊपर परसेंटेज वैल्यू शो हो जाएगी। इसी लाइन के ऊपर स्लोप रेशियो वैल्यू शो करने के लिए हम शॉर्ट की SLOP टाइप करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करने का मैसेज आएगा। रेफरेंस पॉइंट हम इसी लाइन के स्टार्ट और एंड पॉइंट को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास स्लोप रेशियो वैल्यू शो हो जाएगी। परसेंटेज वैल्यू और रेशियो वैल्यू एक ही चीज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें परसेंटेज वैल्यू शो करनी पड़ती है और बाज़ दफ़ा हमें रेशियो वैल्यू शो करनी पड़ती है। परसेंटेज और रेशियो का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ मैं 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर हॉरिजेंटल एंड 1 मीटर वर्टिकल एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। 1 मीटर हॉरिजेंटल एंड 1 मीटर वर्टिकल से हमारी स्लोप 1:1 रेशो में शो होती है और 100% ये हमारी परसेंटेज में वैल्यू शो होती है। 1 बाई 1 मीटर की जो लाइंस मैंने ड्रा की हैं उनके ऊपर स्लोप परसेंटेज शो करने के लिए PCG कमांड लेते हुए मैंने स्लोप शो की। आप देख सकते हैं इसकी स्लोप परसेंटेज वैल्यू 100% शो हुई है। इसी तरह दोबारा से SLOP शॉर्ट की टाइप करते हुए हम इसी लाइन की स्लोप वैल्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 1:1 इस लाइन की स्लोप रेशियो वैल्यू हमें शो हुई है। क्योंकि स्लोप वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस को फॉलो करते हुए कैलकुलेट होती है। ये तो मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।